पुराना अलग है। अरे तुम बैठो बताए, गुस्सा नहीं हो ना हमसे, बालक है कहते देखो पहले क्षमा चाह रहे हैं, तुम बैठो अब पहले क्षमा चाह रहे हैं जोड़ के देखो पैर पर हाथ जोड़ता हूँ तो नहीं मारा बच्चे पैसा अपने जेब में रखो पैसा का मतलब नहीं है सही बातें पेश करने वाला हूँ हाथ बढ़ाओ हाँ लो ये उंगली बड़ी है कि ये बड़ी है बीच वाली बड़ी है बीच का बात नहीं ले रहा हूँ मैंने पकड़ा उसकी बात करो तीसरी बड़ी है कि पहली बड़ी तो हटो फिर देखन दो ऐसे पहली बड़ी है तीसरी कहाँ से बड़ी होगी तीसरी से पहली बड़ी है ये आपको अवसर देगी काहे का किसी भी चीज मतलब कैसा अवसर पूरी बात सुनना पड़े अगर इससे उंगली छोटी होती है अवसर नहीं मिलता है अगर इससे उंगली बड़ी होता बराबर होती है ऐसे लोगों को मौके मिलते रहते हैं इससे दिवाली बड़ी है उससे मतलब नहीं दाएं हाथ में देख रहा नाड़ो पहले सीधी गलत तो बड़ी लग रही दिवाली आपसे बड़ी है अगर ये बड़ी है छोटी है तो अवसर नहीं मिलेगा वहाँ क्यों आपको जब इससे उंगली छोटी है आप दुनिया में रहो आपको कंप्रोमाइज का सामना करना ही पड़ेगा ऐसा क्यों समाधान बताओ आप इसका समाधान इसका क्या है अगर तीसरी से पहली उंगली किसी की छोटी होती है दुनिया के अंदर राजा मंत्री कोई भी संसार का हो उसे समझौता करना पड़ता है जो विधाता ने दिया है उसमें चलना पड़ता है और जब इससे बड़ी हो जाती है तब ये रास्ता बताती है छोटी हो जाए इधर ध्यान दो हाँ बता आप बता दो ध्यान पूरा हमारा मेरे पास सुनो ज्यादा केंद्रित है हमारा ध्यान छोटी हो गई हाँ रास्ता पूछोगे हाँ बड़ी हो गई तो रास्ता बताती रहेगी ये पक्की खबर महाराज दे रहे हैं बिल्कुल महाराज आपका आशीर्वाद हमारे साथ है एक चीज आगे हाथ ऐसे हाँ बिल्कुल जब आपके हाथ में लक लाइन यानी भाग्य रेखा नहीं ऐसी हालत में आप जितना करेंगे उतना ही प्राप्त होगा आपके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है लाइफ लाइन ब्रेन लाइन हॉट लाइन और भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है तो आप जितना करेंगे उतने प्राप्त होगा और अधिक आपको नहीं मिल पाएगा ये महाराज की वाणी है पुराने जमाने का हूँ आज का नहीं हूँ अरे आपकी उम्र है थोड़ी कह सकते हैं हमारा दिवाकर आपका नाम दिवाकर है हाँ सूर्य की राशि हाँ ना पर्यायवाची है सूर्य की शनि रवि दिवाकर आप दिवाकर का शुभ दिन बृहस्पतिवार होता है हाँ। ये नोट करो जितने भी दी नाम वाले हैं दीन दयाल दीनानाथ देवी प्रसाद समझना दिवाकर यही सर उसका मालिक दिन बृहस्पति गुरुवार होता है हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि दिवाकर कोई भी काम जब करेंगे हाँ। तो गुरुवार को करेंगे बृहस्पति को करेंगे आना जाना लिखना पढ़ना लेन देन सारे मंडे और आगे बढ़िए हाँ। पीला कपड़ा आपके शरीर में होना जरूरी है हाँ। और आगे बढ़िए अगर कोई कष्ट या चिंता सतावे हाँ। तब बृहस्पति के ही दिन दो केला लीजिए एक केला गौ माता या कन्या को दे देना एक केला प्रसाद के रूप में स्वयं खा लेना बस ये मैंने आपको इसे बता दिया लकीरों की माया तो बहुत बड़ी समाधान बताओ जो लकीर कैसे आएगी पैसा कैसे आएगा समाधान तो जो ग्रह चल रहे हैं हाँ। पैसा खर्चा बहुत होता है पैसा आ तो जाता है लेकिन खर्चा बहुत जल्दी हो जाता है मैं विधान बता रहा हूँ ना हाँ, आपका लकी नंबर दिवाकर तीन है तीन आपकी सातवा भाग नंबर जो है तीन है हाँ। और आपकी राशि नंबर 12 यानी मीन है हाँ, मीन तो है ना मतलब तो मीन राशियों का शुभ दिन बृहस्पतिवार बताया गया है दान में पीली चीज का दान बृहस्पति को और पीला कपड़ा भी शरीर में होना जरूरी है जी। अब आपने कहा कि मेरा पैसा बचता नहीं तो ध्यान दीजिए आपकी बचाते ही नहीं है आदत खराब है मैं बात पहले बताओ सुन तो लो पहले तुम उंगली करने लगे पीछे कमाई कम करना या ज्यादा करना ध्यान दो इधर उधर मत देखो आप बताते तो देखना पड़ेगा नहीं खदेड़ने लगेगा क्या रखा कोई आगे मारने लगे मैं क्या बात है क्या बात है आप विश्वास में नहीं तो कानपुर है जो धान खाया हुए मारने लगे क्या कोई मारन लगे मतलब है आप अपने कमाई का तीसरा हिस्सा हाँ। अलग करते जाना और कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल नहीं है 100 रुपया में 30 रुपया बचाना कोई बड़ी बात नहीं है नहीं वहीं से आपके बचत का रास्ता चालू हो जाएगा अच्छा 100 रुपये जब शुरू करना तो दिन बृहस्पति होना चाहिए और बृहस्पति को ही निकालना 100 रुपये में 30 रुपये जरूरत पड़ेगी इतवार का फिर महाराज क्या करें हम आप डालोगे बृहस्पति को निकालोगे बृहस्पति अब आपने कही महाराज ठीक है डाले बृहस्पति निकाले अब जरूरत पड़ेगी इतवार का हमें कहीं समझ तो उसके कहा जो कि भैया हमारा काम चलाओ हम भी फिर दे देंगे किससे कह दें
आजकल कोई बिना मांगे 2 रुपये नहीं देने वाला था, बताओ आप। तुम्हारा परिवार है? परिवार है, सबको परिवार है, चार भैया है, परिवार है, और सा परिवार आपको मांगने नहीं देगा, आपका कार्य चलता रहे। परिवार वहाँ बहुत लंबा चल रहा है, परिवार आपको मांगने, ये बात तो ठीक है महाराज। कुछ ऐसी बात बताओ महाराज कि हाँ प्रूफ हो जाए कि हाँ सही कह रहे हैं महाराज, विश्वास बताओ। मतलब कुछ ऐसी बता दो पुरानी, चुप करो पहले आप, पुरानी घटना बताओ। भैया दे गए थे 10 को, दे महाराज का समाधान करो, बैठन दो भाई, बैठ जाए नीचे, चलो 10 को ले महाराज, बैठ जाए थे, तमाम जगह बैठ जाइए। गुस्सा तो ना हो, गुस्सा क्यों, बैठने की बनाया गया, अब बताओ महाराज। कायदे से देखा जाए दिवाकर, हाँ तो तीसरी से पहले उंगली आपकी बड़ी, अब सीधी कर लो तो जब बड़ी हो जाती है, सीधी कर लो, आराम से रखा जाता है, ऐसे कर लो, हाँ देख लो, टाइट न करो, हम ऐसे रखे हुए हैं फिर भी आपकी ये बड़ी है, और इससे और सुनो, और जब सैकड़ों हाथ देखा जाए सैकड़ों, तब कहीं से बड़ी होती है, और ना इससे छोटी हमारी खुदे छोटी कहाँ रखा हुआ, बड़ी नहीं है आप, अरे कर दी बड़ी है, छोटी हो नहीं गई, बुधाई ना जी वाला देखो, सबकी महाराज बड़ी होते हैं, इसका भी सबकी होती है महाराज, देखो इनों की बड़ी है, देखो हमारी दोनों कौन से दिखा रहे हैं आज, ये ले आ गए महाराज जी, धरो दीजिए, हां आप पीछे, आप पीछे, तो इनके पास तो पैसा बहुत है, पैसे सवाल नहीं, आपको हर हाल में संतोष कंप्रोमाइज का सामना करना पड़ेगा, ये लो वही चीज आपने इनके बताई सर, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा, अब ये चीज अब इससे बड़ी हमको मानना पड़ेगा, हाँ भाई आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपका कार्य अगला बनाएगा, आगे बढ़ो, हमारा आपका दहना हाथ होता है दिवाकर, ये 2400 घंटा किसी चीज़ को डिसाइड करता है, डिसाइड करना दाहिने हाथ का काम है, और प्लानिंग करना इधर ध्यान दो, और प्लानिंग करना किसका काम, बायां हाथ प्लानिंग करता है, ये चलते ही नहीं है बिल्कुल महाराज, बोलते बहुत ज़्यादा तुम हमारे पास, तो सुनने आए हो कि बोलने आए हो, तो आप बता कोई सही सही बात करता तो सबसे बता दो, तो हम क्या करेंगे, आप बता महाराज, इसको काट दो, शाम को पहले महाराज के पास, पहले आप बता लो फिर बात क्या बोलेंगे, ठीक पहले आप, नहीं आपको बोलना ही नहीं, सुनो और समझो, हाथ लाओ कहना लो, 2400 घंटा इस हाथ इसका काम है डिसाइड करना, डिसाइड करना, डिसाइड करना जी सर, और इसका काम 2400 घंटा प्लानिंग करना है जी, प्लानिंग करना, अगर ये डिसाइड ना करे तो ये प्लान, आप कितना भी प्लान बनाओ ये फेल कर देगा, ठीक सही से रखो, का ग्रासी है वो जो तुम मंत्र लिखे रहते हैं, उत्तर कर के पागल हो जाओ, या तुम पागल हो जाओगे, तो मैं पागल होगा, और पीली चीज का दान ये आपको मैं जिंदगी भर के लिए बताता हूँ जी महाराज, नीला हरा कल्पित जी महाराज, ये महाराज की कवर हरो ले लो, हमने ही चक्कर में हरो बताओ, हरो ले लो अब जी, फलिए में कवर की बात कर रहे, हरा हरा नीला दोनों रंग बताया गया कल, इन्हें कौन सा बता महाराज जी, नीला पीला, चट्टी ले लें, बनियान ले लें, बस पहना सुने, बस होना चाहिए, एक बस होना, हाँ बस चट्टी बनियान ले लें, हम तो नीली नीला पहने, आपको नीला जो सूट है तुम्हारा, मतलब अरे तुम अच्छे जैसे तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, और पैसा नहीं आ रहा, बस हमें रंगों का प्रभाव नंबरों पर, नंबर तो बता दो 5 और 3, आज जयपुर वाले को मुंडा 3 नंबर लगे, जो हम बुद्ध का लगा रहे 5, हाँ बुद्ध का 5 जो लकी नंबर है जी महाराज, ना बहुत बहुत जबरदस्त, चलो आशीर्वाद तो महाराज है, अरे आशीर्वाद है, गुस्सा तो नहीं हो गया महाराज, नहीं गुस्सा तो नहीं हो गया महाराज, महाराज गुस्सा तो नहीं हो गया, नहीं गुस्सा नहीं, क्षमा चाहते हैं, कुछ गुस्सा हो गया, बालक है आपके, बस आशीर्वाद दे दो, सुनो ज्यादा बोलो कम, ये मैंने कहा, लेकिन महाराज जब समस्या है तो बोलना तो समस्या कोई नहीं है, समस्या दुनिया में समस्या है ही नहीं, समस्या लोग बनाते हैं, समस्या है कहाँ दुनिया, बना ले बनाए बैठे, समस्या है तो बताने, मेरी बात ध्यान रखो, जैसे दुनिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अपोजिट होते हैं वो समस्या बनाते हैं, उनको निपटना चाहिए, जो समस्या करते हैं हम केस चल लो, अब भाई हम सोचा था 10 साल में कह दिया अप्रैल में है, अप्रैल का मैंने नाम लिया बोलने के बाद है ना, अच्छा महाराज जी बात ना, महाराज जी को देख रहे हैं,
तुम हो चाहे दुनिया हो हमारे पास।